हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप ओवर है, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू BLA.in। इस वीडियो में हम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हमेशा होता है जब CTET का यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म आ रहा है। जब से यहाँ पर NCT का जो नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स की, फोर्थ ईयर के लिए चलो आपको पता है, लेकिन पहले जो 3 साल कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वो एलिजिबल हैं या नहीं, उनको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं, या फिर उनके जो पैसे हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि वो वैलिड पता नहीं हो भी पाएंगे या फिर नहीं। तो हम ये सारी चीज़ों को वीडियो में यहाँ पर क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं विद नोटिफिकेशन। तो सभी के साथ वीडियो को शेयर करें एंड चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन हिट करें सो दैट सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। हम BLED के रिगार्डिंग सारे ही अपडेट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सीधे नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, तो पहले हम यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को प्रॉपरली समझ लेंगे। तो ये है नोटिफिकेशन आपका NCT के थ्रू, जहाँ पर हम प्रॉपरली बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर CTET के बारे में। ये नोटिफिकेशन आपका आया था 2022 में, जहाँ पर NCT ने क्लियर करा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो इस प्रॉपर नोटिफिकेशन को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन CTET, तो बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ CTET की। अगर आगे UPTET और कोई भी स्टेट टेट अगर आते हैं तो उनके लिए ये चीज़ एलिजिबल नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल TET के बारे में बात कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में ये लिखा है परस्यूइंग वर्ड। परस्यूइंग का मतलब होता है जो बच्चे BLED कर रहे हैं, हम BLED के संदर्भ में सारी बात यहाँ पर करेंगे। तो नोटिफिकेशन में ये है, अ कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड इन एनी ऑफ द टीचर ट्रेनिंग कोर्स TTC एंड अंडरगोइंग द टीचर ट्रेनिंग कोर्स कैन सेट टू बी इन परस्यूइंग इन दिस कोर्स, और यहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके एग्जाम्स अगर आने वाले हैं या फिर रिजल्ट आपका नहीं आया है, आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं TET फॉर्म को भरने के लिए, जो कि आपका ये CTET वाला है। ठीक है, भले ही आपका रिजल्ट क्या है अवेटेड हो, लेकिन अगर आप परस्यूइंग में हैं, आप कर रहे हैं कोर्स को, कोर्स के दौरान CTET का अगर एप्लीकेशन फॉर्म आता है तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो। तो अब हम बात कर लेते हैं, पहली बात फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अपियरिंग में है या फिर उनका रिजल्ट नहीं आया है या फिर उन्होंने BLED कर लिया है। आपको पता है कि पहले के जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें एलिजिबिलिटी जो आपका क्राइटेरिया है वो ये होता था कि आपको 50% मार्क्स चाहिए, पास्ड होना चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए फोर्थ ईयर फाइनल ईयर BLED में। ठीक है, तो ये प्राइमरी के लिए है, सेम आपका जूनियर के लिए भी था, बट अब ऐसा नहीं है। आप किसी भी ईयर में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि आपको फॉर्म एक्चुअल में भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए। देखिए, फोर्थ ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं अपियरिंग में, वो तो एकदम एलिजिबल हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं अगर हमने फॉर्म भरा तो वो वैलिड होगा नहीं होगा और हमारे पैसे वेस्ट ना हो जाएं। देखिए, आप किसी भी ईयर में हो, फॉर्म आप भरिए और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का भरिए, क्योंकि जो पेपर 1 में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वही मोस्टली सब्जेक्ट्स आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं कॉमन होते हैं, तो आपको सेम प्रिपरेशन चलती है आपकी। ठीक है, तो दोनों को कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर ही आएगा। इसलिए फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, आप फॉर्म को यहाँ पर भरिए। बाद में जब स्टेट टेट्स जो आएंगे उसमें देखा जाएगा कि एलिजिबिलिटी है या नहीं, या फिर आगे अगर फ्यूचर में वैकेंसीज आती हैं तो उसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि वहाँ पर प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा होगा कि जो वैकेंसी में जो बच्चे हैं वो सिर्फ अपियरिंग वाले या फिर फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर पाएंगे या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को भी वो मान्य करेंगे। तो ये आगे अपकमिंग वैकेंसीज के नोटिफिकेशन में पता चलेगा। फिलहाल NCT के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सभी लोग यहाँ पर क्या हैं, एलिजिबल हैं। तो बिल्कुल आप क्या करिए, फॉर्म को भरिए और आराम से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। आज नहीं तो कल आपको वैसे भी CTET देना ही है, तो आप आज से ही अगर तैयारी करेंगे तो आपका कल बहुत बेहतर मार्क्स के साथ आप CTET को क्रॉस कर पाएंगे, प्लस जो आगे स्टेट की वैकेंसीज होंगी उसमें भी आप एक बार में पेपर को क्लियर कर। और इस बात में अभी कोई डाउट नहीं है कि आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है दे आर एलिजिबल, ऑल द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल हु आर देयर इन परस्यूइंग कैन अपियर इन TET एग्जामिनेशन एट द टाइम दे आर परस्यूइंग इन द कंसर्न टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन नहीं है, आराम से आप फॉर्म भरें एंड अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। फॉर्म भरते टाइम अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कॉमेंट ज़रूर करें और अपनी समस्या को यहाँ पर आप बता सकते हैं, नहीं तो आप
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए। एंड यहाँ पर जो मेरा टेलीग्राम आईडी है, अगर आप ग्रुप पे मैसेज नहीं करना चाहते तो आप पर्सनली मुझे अपने डाउट्स इस आईडी पर सेंड कर सकते हैं। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, जाइए जाकर ज्वाइन करें एंड अपने डाउट्स पूछें। मिलेंगे गाइज हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।